क्या गाइस आपके भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैं अपने चेहरे को साफ करूं, ऐसा हम क्या लगाएं कि जिससे कि हमारा चेहरा गोरा होने के साथ साथ हमारे चेहरे पे एक भी दाग धब्बे ना रहे, किसी तरह के उस पर स्पॉट्स ना हो। तो हाँ गाइस, आज की जो रेमेडी होने वाली है उस रेमेडी के द्वारा आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा गोरा बना सकते हो और साथ ही साथ एक इतना अच्छा ग्लो आने वाला है आज की रेमेडी की। और बिल्कुल तो ये नेचुरल है और आपके चेहरे पर ये किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं देगी और किसी तरह कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या होता है कि अक्सर गाइस हम अपने चेहरे पर है ना कई प्रकार की ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हमें सूट भी नहीं करती और हम जानते भी नहीं उनके विषय में, और अपने हम चेहरे पर लगा लेते हैं और फिर जब उनका वो जो नतीजा हमें मिलता है ना तो वो हमारी जो स्किन जो पहले होती है उससे ज़्यादा हमारी स्किन और ज़्यादा बेहतर खराब हो जाती है उससे। तो इसलिए ना हमें ना जो है केमिकल भरी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई क्रीम लाते हैं तो उसे डॉक्टर की सलाह से ही अपने चेहरे पर लगाएं। इसलिए गाइस जितना अच्छा है आप अपने नेचुरल चीज़ों का यूज करें अपने चेहरे पर, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं और उनके द्वारा हमारे चेहरे पर एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो आता है और ग्लो के साथ साथ एक चमक भी आती है और हमारा चेहरा धीरे धीरे होकर साफ हो जाता है और वो हमारे चेहरे पर एक लंबे समय तक बरकरार रहता है। तो गाइस आज की जो रेमेडी है वो ऐसे ही होने वाली है। तो आप अपने चेहरे को गोरा करने के साथ साथ एक ना चमक भी ला सकते हो और साथ ही साथ आप अपने चेहरे को बहुत सुंदर भी बना सकते हो, क्योंकि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम भी चार लोगों के साथ जब खड़े होते हैं तो हमारा भी चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करे। क्योंकि जब हमारा चेहरा ना साफ नहीं होता है या फिर उसमें थोड़े से भी दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, समझ लीजिए आपके चेहरे पर जो भी परेशानी है, तो वो आज इस रेमेडी से ख़त्म होने वाली है। क्योंकि हमें भी खूबसूरत दिखने का हक है, जैसे कि हर किसी को है ना, उस तरह से हमको भी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जब अगर आपने इसे है ना लगातार अगर आपने इसे यूज कर लिया ना अपने चेहरे पर, तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपका चेहरा ना कम से कम अगर ज़्यादा ही आपकी स्किन ख़राब है तो आपकी स्किन है ना 10 दिन के अंदर ही में बहुत ही फ़र्क दिखेगा। आप खुद कहेंगे कि कितना अच्छा फ़र्क दिखा है मुझे खुद के चेहरे पर। तो इसलिए इसे आप ना 1 हफ्ते तक कहने पर, 7 दिन तक तो इसे लगातार ही आप यूज करिए। जब 7 दिन अगर इसे ना 10 दिन तक अगर आप इसे यूज कर लेते खुद ही आप अपने इसे चेहरे पर लगाकर हैरान हो जाएंगे कि वाओ क्या मुझे इतना अच्छा फ़ायदा मिला है। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं हम आज का बिल्कुल नेचुरल सिंपल सी रेमेडी। कुछ भी ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से ही हमें अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं, वो भी हमें घर पर ही बैठे, हमें कहीं बाहर जाके ना हज़ारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की रेमेडी बनाना, बिल्कुल सिंपल सी है और बिल्कुल नेचुरल है। तो गाइस सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पर टमाटर। तो टमाटर जो होता है जो हमारे ना ब्लड को प्यूरीफाई करता है, साफ करता है। टमाटर को अगर आप खाली पेट सुबह रोज दो है ना कट कर कर खाते हैं, दो टमाटर अगर ना आप इसे खा लेते हैं तो आपके अंदर से है ना ब्लड साफ होगा, साथ ही साथ आपके चेहरे बहुत प्यारा सा ग्लो आएगा। और अगर इसे साथ ही साथ आपको इसे चेहरे पे लगाएं तो आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है, एक टमाटर पे है ना आपको ना कट कर लेना इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसके दो भाग कर लेना है। तो अभी इसका मैं कैसे इस्तेमाल करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आपको एक टमाटर लेना है, इस पे आपको थोड़ा सा बेसन डाल लेना है, आपको आराम से मिल जाएगा इजली। तो इसको ना एक चम्मच, छोटी सी चम्मच आपको इसके ऊपर डाल लेना है और साथ साथ इस पे आपको ना थोड़ा सा हल्दी डाल लेना है और थोड़ी सी आपको इस पे कॉफ़ी डाल लेना है। तो इस तरह से आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से, हल्दी कॉफ़ी बेसन को अच्छे से आप इस तरह से इस पर थोड़ा सा इसे प्रेस कर लें, थोड़ा सा दबा दें इस तरह से, इसे थोड़ा सा इस तरह से कर करके और फिर इसे आप अपने चेहरे पर इस तरह से ऐसे से करके लगा लें। तो आपको इसको इतना रब करना है अपने चेहरे पे, एक थोड़ा सा हल्का सा स्क्रब की तरह इसको रब करना है इस तरह से। तो इस तरह से रब करने के बाद आप इसे ना थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा लें। मसाज करने के बाद फिर इसे आप कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, जब ये पूरी तरह से जब सूख जाए छोड़ दें। ऐसे छोड़ने के बाद फिर इसे आप धो लें, साफ कर लें। जब आप इसे साफ कर लेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम की एक बार की यूज करने से आपका चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट स्किन लगेगी आपको और चेहरा एकदम ग्लो मारेगा। आप कब कब यूज कर सकते हैं, तो आपको इसे रोज ही नहाने से पहले लगाना है। तो इस तरह से आपको एक टमाटर लेकर इस तरह से आपको यूज करना है। आप खुद देखना गाइस आपके ना 10 दिन के अंदर ही आपका चेहरा इतना चमकने लगेगा और दाग धब्बे तो आपको धीरे धीरे बिल्कुल खत्म ही हो जाए, आपको फिर कोई महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो गाइस आज की रेमेडी आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू वीडियो के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।